जय हिंद। सो हाउज लाइफ, कैसी जिंदगी चल रही है? बिहार में बहुत ठंडक है अभी और इट्स वेरी कूल लाइफ अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है। तो राजन, हम लोग अपने शो में मतलब बातें करते हैं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद फिर वो भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो एक्टिंग है, एक्टिंग के लिए कहा जाता है कि ये इसका कीड़ा जिसको काट देना वो फिर कभी चैन से नहीं बैठता, तो क्या ये सच है? 100% एक्टिंग का कीड़ा अगर किसी को लग जाता है तो उसके लिए फिर दिन क्या और रात क्या, वो उन्हीं चीजों में, ख्वाबों में और अपने कैरेक्टर में खोया रहता है वो। तो ये बहुत ही कमाल का कीड़ा है और बहुत लोगों को समय समय पर ये काटता रहता है और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री है, हमारा थिएटर है, हमारा परफॉर्मिंग आर्ट है। और शुरू से मेरा मानना है कि किसी भी घर को, किसी भी देश को, समाज को, टाउन को, मेट्रो सिटी को अगर सच में अच्छा करना है तो उसके आर्ट एंड कल्चर, आर्टिस्ट को थोड़ा सा मोटिवेट कर देने की जरूरत है, उसको एक हौसला अफजाई कर देने की जरूरत है, तो डेफिनेटली उसका ओके, इम्पैक्ट दिखेगा। जी परफेक्ट। तो जब आपने अपने घर में बताया कि आपको एक्टिंग करनी है, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? माई ग्रैंड फादर वॉज फ्रीडम फाइटर, वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, फार्मिंग में लोगों का जुड़ाव रहा शुरू से। तो ये बड़ा हाँ ही मतलब एक कह सकते हैं कि एक एटम एटम बम फूटने वाली स्थिति थी जब उनको पूरी तरह से पता चला कि नहीं रे बाबा, अब ये बंदा जो है सारा काम छोड़कर एक्टिंग में जाएगा जिसका दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है। लोग नाचने वाले कहते हैं, नचनिया कहते हैं, लोग कुछ और संबोधित करते थे, तो मतलब उन्होंने कभी अलाउ नहीं किया उस वक्त में। और उनके लिए भी एक बड़ा ही सरप्राइज था कि सब लोग घर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो ऐसे घर से कोई बच्चा नर्तक कैसे बनेगा, कोई एक्टर कैसे बनेगा, ये एक बड़ा ही मतलब उस वक्त का एक टफ टाइम था मेरे लिए। जी तो जब उस टफ टाइम को पार कर लिया, तो फिर दुनिया में अपने लिए पहचान बनानी होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। पहचान कैसे बनी? हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संचालित एक मंडी में इंस्टीट्यूट है सतोहल में, सुरेश शर्मा जी का, तो वहां मेरा चुनाव हुआ था 1999 में। और उस वक्त हमने थिएटर में वहां पर डिप्लोमा किया बाकायदा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंडर में, वहां के इंस्ट्रक्टर के अंडर में रहकर। और उससे जस्ट पहले 1998 में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया था छाऊ डांस के लिए। तो क्या बात है, क्या बात ये कोइंसिडेंट है कि है। हाँ वेस्ट बंगाल का ये डांस है छाऊ डांस, जिसमें बहुत बड़ा मास्क लगाकर प्रचुर वीर रस से परिपूर्ण नृत्य किया जाता है और करवाया जाता है। तो काफी इसके एक्शन लिए से भरपूर हमें होता है ना, मेरे ख्याल से खूब तेज पूरी हाथ तरह पैर से से उसमें चलते हैं। वो मतलब कमाल का ट्रेडिशनल डांस है वो। हाँ और छाऊ के तीन प्रकार हैं, उसमें जो सबसे टफ वाला है वो पुरुलिया छाऊ है। तो पुरुलिया छाऊ के लिए हमने बकायदा कई गुरु शिष्य परंपरा के साथ रहकर, पुरुलिया में रहकर हमने इस डांस को सीखा था 1998 में। और फिर उसके लिए हमें नेशनल स्कॉलरशिप और अवार्ड भी मिले, तो हमने कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से थिएटर में जब हमने अपना ट्रेनिंग खत्म करके दिल्ली के मंडी हाउस में हम घुमा करते थे, फिरा करते थे, तो उस वक्त में लगता था कैसे होगा, अब तो हमने ट्रेनिंग भी कर ली है, अवार्ड भी मिल गया है, पैसे कहाँ हैं, ठीक है ना, तो कैसे सरवाइव करेंगे दिल्ली में। तो सडनली एक जर्नलिस्ट दोस्त ने हमें कहा कि भाई आप माइकल जैक्सन बनकर, एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग है नोएडा सेक्टर 17 की बात है, 17 या 18 की, तो वहां आपने पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके लिए आपको कुछ पैसे और खाने मिल जाएंगे। तो मेरी तबीयत थोड़ी नासाद थी उस वक्त में, मैंने कहा यार रोड पे माइकल जैक्सन को हम कैसे, क्या ज्यादा स्कोप मुझे नजर नहीं आता है, तो क्या मैं चार्ली चैपलिन को कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, टाइम कम है, बताओ क्या करना है।
तो वही नुक्कड़ पर बैठे हुए टेलर से हम लोगों ने चाली के लिए बहुत छोटे से कोट सिलवाए, पैंट सिलवाया, लोकल शूज खरीदे और फिर हम लोग मैदान में उतर गए मेकअप करके चाली का। और यकीन जानिए, मतलब मेरे लिए ये था कि ओ अब मैं करूं क्या एज एन एक्टर, क्योंकि हाँ। किसी भी कैरेक्टर को लेने के लिए थोड़ी इसी तो मतलब एज एन एक्टर आपको मेहनत करनी होती है। तो चाली जैसे एक इंटरनेशनल कैरेक्टर को करना था, तो हमने कहा एक काम करते हैं, आप स्कूटर चलाओ, मैं स्कूटर के पीछे बैठ जाता हूँ उल्टा करके। और चार्ली को हमने उल्टा बिठाया और इस तरह से हम अलग अलग सेक्टर में घूमना शुरू किया। लोगों ने काफी अप्रिसिएट किया, हम जो चाह रहे थे बांटना वो हमने पंपलेट्स बांटे। और जब ओपनिंग वाले दिन 19,000 के आसपास की सेलिंग उनके रेस्टोरेंट, छोटे से रेस्टोरेंट की हुई थी चाली की वजह से। पैसे तो बहुत, पैसे तो बहुत नहीं मिले। यस, तो इस तरह से एक छो डांसर चाली चैपलिन बन गया। वेरी राइट मैम, वो कहीं ना कहीं जो आप करते हैं वो बहुत काम आता है, इसलिए अपने वक्त और जो जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी शिद्दत और 110% दिया करें, वो बहुत काम आने वाला है आपको। तो आज जो चार्ली चैपलिन 2 का उदय हुआ है एक इंटरनेशनल परफॉर्मर के रूप में, वो छाऊ डांस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो टफ टाइम हम नहीं देखते तो शायद चार्ली जैसे कैरेक्टर को प्ले करना बहुत मुश्किल था। तो फिर कभी मन में ये नहीं आया कि जो छाऊ है, क्योंकि उसने आपको नेशनल अवार्ड मिला, तो उसे कंटिन्यू किया जाए? बिल्कुल, मैं आज भी छऊ को बिल्कुल अपना कर रखता हूँ, कि मुझे पता है कि ये टफ फॉर्म जो है डांस का वो हमारे चार्ली के लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं तभी चार्ली को और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा जब छाऊ को मैं अपना के रखूंगा। इसलिए 2 से 3 घंटे रेगुलरली हमारी चीजें छाऊ को लेकर, योगा को लेकर और डांस फॉर्म को लेकर चलता रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम चार्ली चैपलिन को देखते हैं तो उसके पीछे एक छो डांसर ही कर रहा होता है डांस आगे कुछ? वेरी राइट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका जो वॉकिंग पैटर्न है, जो चार्ली वॉक करता है और चार्ली का जो एक एक जो उसका एक्सप्रेशंस है, जो उसका एक, क्योंकि जब मैं चार्ली होता हूं, अभी आप राजन को देख रहे हैं, लेकिन चार्ली करने के बाद वो टोटली उस कैरेक्टर में चला जाता है। और जानबूझकर हम 3 घंटे इसके मेकअप को देते हैं कि राजन से वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चार्ली के रूप में हो जाए, क्योंकि अब तो ये ब्रांड भी बन गया है, चार्ली चैपलिन 2 हो गया है, तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है जी। ओके, इवन अच्छा, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है? यस, 2005 में हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चार्ली चैपलिन 2 के रूप में आ गया था जी। तो वो कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। स्ट्रगल पीरियड चाली करने के बाद 5-6 दिन 8 दिन करने के बाद फिर काम को लेकर ये था कि कैसे और चाली की चीजों को मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि उस वक्त में चाली करने के बाद मेरे अंदर एक आ गया था कि नहीं, इस कैरेक्टर को मैं और थोड़ा वक्त दूंगा जिससे मैं लोगों को और हंसा सकूं। तो मैं कनॉट प्लेस में एक कार्निवल चल रहा था उस वक्त में, डॉक्टर मोरपेन का 2001। तो उस वक्त में ITC की चंदन सिंह मैम की नजर पड़ी चाली पर, और वो रेसिडेंट मैनेजर थी उस वक्त में मुगल शेरेटन आगरा में, तो उन्होंने इनवाइट किया और चार्ली का फिर टाइप हो गया ITC वेलकम ग्रुप होटल के साथ। और फिर हमने कंटिन्यूसली देर वॉज इवनिंग अलोंग विद चार्ली चैपलिन 2। बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक आर्टिस्ट हर दिन चार्ली चैपलिन बनकर लोगों को हंसा रहा है, और 4 to 5 hours, तो पूरा दिन का एक शेड्यूल था एज एन एक्टर। इंटरनेशनल ऑडियंस को वो बहुत भा गया, बहुत मजा आने लगा उनको। उसमें से किसी एक कदरदान ने गिनीज वालों को बताया, लेकिन 2004 में हर बार जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं यही लगता है जी। फिर से बताइए क्या बताया, थोड़ा मिसिंग हो गया जी। जी मैं कह रहा था कि 2004 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हमें पहला रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट दिया था, और ठीक 2005 में जो हमारे अमेरिका, लंदन और बाकी फैंस थे वहां, जो लोग देख कर जाते थे, चार्ली को मिलकर जाते थे, चार्ली के साथ फोटो खिंचा के जाते थे, उन लोगों की कोशिश रंग लाई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बाकायदा हमें सर्टिफिकेट दिया वहीं आगरा में। और फिर हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर हो गए,
और उसके बाद तो फिर मतलब एक कहते हैं ना कि जब कोई अवार्ड आपको मिलता है, कोई सम्मान आपको मिलता है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं मैं अभी, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहा है कि नहीं मैम की ये कोशिश जो है कहीं ना कहीं आम लोगों तक हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से आज हम आपसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इट्स रियली बिग डे फॉर मी। गिनीज मिलने के बाद फिर हमने चार्ली को और पावरफुल बना दिया, और फिर तो लगातार मतलब कंटिन्यूसली सिंस 21 ईयर्स मैं चल रहा ये शो, और लकली आज हमारी आपसे बात हो रही है, और परसों दिल्ली के शो की तैयारी भी चल रही है साथ ही साथ, जो दिल्ली में लाइव शोज है मेरा, तो ये लाइफ का हिस्सा हो चुका है। अगर चार्ली ना करूं मैं तो फिर खाना जो है वो खाने में मजा नहीं आता है, वो लगता है कि लोगों को हंसाया नहीं मैंने वैसे आप हंसते हैं। Nice. तो फिल्मों में, उसके बाद फिर फिल्मों में आए आप? हाँ, वो बचपन से सपना था कि मैं फिल्मों में मेन लीड करूं, अभिनय करूं, और जब हम दिल्ली में थे ट्रेनिंग के बाद तो इंडियाज मोस्ट वांटेड करके एक सीरियल था, उस सीरियल को हमने करना शुरू किया। टफ कैरेक्टर्स हमें मिला करते थे, जो वांटेड क्रिमिनल्स थे उनके कैरेक्टर्स को परफॉर्म करना होता था, तो वो हमने अलग अलग डायरेक्टर के साथ किया। उसके बाद डीडी वन के लिए हमने काफी काम किया, उनका जो इन हाउस प्रोडक्शन था उनके लिए काम किया, एयर के लिए हमने कई युवानी के लिए प्रोग्राम्स किए वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र उस वक्त में नहीं थी, लेकिन जो एक मादा था, जो एक था कि नहीं एक्टिंग के लिए साला कुछ भी करेगा, है ना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को हमें कनेक्ट कर देता था उस वक्त में। और मतलब फिल्म ने तो कमाल कर दिया, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मिलेंगी हमें लीडिंग में। रवि किशन साहब के साथ हमारी फिल्म आई थी बाके बिहारी एमएलए, एक भोजपुरी फिल्म थी उस वक्त में, लेकिन इतने बड़े एक्टर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फिर हमें ऑफर हुआ शहर मसीहा नहीं, ये एक जो पीछे आप पोस्टर देख रही हैं वो शहर मसीहा नहीं का ही है, और ये फिल्म कमाल की है, पूरी शूटिंग दिल्ली की थी, और दिल्ली इज वन ऑफ माय फेवरेट मेट्रो सिटी मैम, मुझे दिल्ली का खाना पीना, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो मुझे वेरी राइट मैम, तो वो इंदू जी बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। फिर हमने शहर मसीहा नहीं के बाद अभी रिसेंटली जो हमारी फिल्म आई थी नमस्ते बिहार, इट्स ए हिंदी फिल्म, नमस्ते बिहार में डब्लू का जो कैरेक्टर है, जो लीडिंग कैरेक्टर है, वो ग्रे शेड लिए हुए था, तो एक तरफ चार्ली और एक तरफ इस तरह का ग्रे शेड कैरेक्टर, तो मतलब मेरे लिए चैलेंज था एज एन एक्टर, लेकिन मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, मैं थैंक्स टू किशोर नमित कपूर सर, जिन्होंने ऋतिक रोशन साहब को, जिन्होंने विवेक ओबेरॉय साहब को, सबको ट्रेन किया है, और बहुत शिद्दत के साथ वो फिल्म एक्टिंग कोर्स कराते हैं, उनका मैं स्कॉलर स्टूडेंट रहा, और उन्होंने एक बात कही थी कि राजन तुम चार्ली हो और तुमसे तो मेरे स्टूडेंट बने हो, तुमसे बहुत उम्मीद है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने अपना 110% देना है, और उनकी ये सीख हमें आज भी काम आती है। 24 घंटे में अगर मुझे कोई कहे कि आप 20 घंटे 18 घंटे शूटिंग करो, एक्टिंग करो, तो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि हमारे टीचर्स, हमारे गुरु बहुत अच्छे रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कहा, मतलब ट्रिक्स बताए हैं एक्टिंग के कि आपने कहाँ कहाँ बेहतर कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि इस फील्ड में आने के लिए मैम ये बहुत जरूरी है आज के डेट में कि आप प्रोफेशनली आप ट्रेंड हों, आप थोड़ी ट्रेनिंग पर फोकस जरूर करना चाहिए हमारे अपकमिंग एक्टर्स को। वेरी नाइस। और बाकी आपके कुछ छुपे हुए भी टैलेंट हैं, उनके बारे में जरा कुछ बताएंगे? मुझे लगता है शेक्सपियर साहब ने बहुत खूब कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है, हम सब कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं और अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं मैम, और सब लोग यही कर रहे हैं, बस कोशिश ये करनी है कि
जब भी आप का मन करे, मन की बात सुननी चाहिए हमें, जब आप दिल की सुनते हो ना तो खुद ब खुद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। और जी हमने यही किया है मैम शुरू से, क्योंकि एक कलाकार को पानी की तरह होना होता है, किसी भी परात में कहीं भी आप डाल दें वो उसी के शेप में हो जाता है, उसी के रंग रूप में ढल जाता है। तो हमने हमेशा अपने आप को फ्री रखा, और यही वजह है कि 100 different कैरेक्टर्स का भी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमने किया है। अगर हम 9 emotions की बात करें तो हमने उस इमोशंस पे काफी काम किया उस वक्त में। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि मुझे रिकॉर्ड कुमार भी कहा जाता है, 100 से ज्यादा मेरे नाम पे रिकॉर्ड्स हैं अब तक। तो ये एक अच्छा, मतलब हमने सोचा नहीं था कि कैसे हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एसिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भेजा है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं रिकॉर्ड्स को रखूं कैसे, उनको चीजों को बनाऊं कैसे। तो इस बार लेटेस्ट रिकॉर्ड कौन सा बनाया आपने? अब पार्डन मैम, लेटेस्ट रिकॉर्ड कौन सा बनाया आपका अभी हाल फिलहाल, कौन सा रिकॉर्ड बनाया? मैम वोटिंग ट्री का 100 इलेक्शन आइकन होने के नाते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें अपना आइकन बनाया हुआ है लोगों को वोट के लिए जागरूक करने के लिए। तो हमारी कोशिश हमेशा रहती है क्योंकि आई एम एन एक्टर, हमने हमेशा कोशिश की है कि जो भी कैरेक्टर या जो भी वर्क हमें दिया जाता है वो कैसे खास हो, कैसे बेहतर हो, तो ये हमारी कोशिश रहती है। और यही वजह है कि इलेक्शन आइकन के तौर पर हमने वोटिंग ट्री का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया मैम इलेक्शन कमीशन के लिए। हम जहां जहां गए, जिस जिस गांव में गए, 101 गांव हम लोगों ने सेलेक्ट किया, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का 101 पंचायत में जाकर हम लोगों ने वोटिंग ट्री लगाया वहां के सीनियर सिटीजन और बच्चों के साथ, कि उनको याद रहे कि भूल ना जाना वोट जरूर करना, क्योंकि ये हमारे राइट्स हैं, इसके लिए 18 साल के बाद ही आपको ये राइट्स मिलते हैं। तो आइकन के तौर पर हमने ये रिकॉर्ड बनाया जिसका सर्टिफिकेट अभी आया हुआ है। और मतलब जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके चाहने वाले भी बहुत सारे हो जाते हैं। अच्छा लगता है कि एक बार हम लोग प्रमोशन के लिए झाबुआ मध्य प्रदेश गए थे, फिल्म शहर मसीहा नहीं, तो 50,000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर थी, जो मतलब राजन और हमारी हीरोइन साहिबा त्रिशा खान के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो सब लोग। तो उनसे मिलना और मतलब उनको फेस करना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक उम्दा एक्सपीरियंस था, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है मैम। और तो राजन अभी इतनी सारी चीजें आपने इतनी छोटी उम्र में कर ली है ना मैम, बिल्कुल मैम, अभी तो बहुत कुछ करना है। स्पेशल कुछ करने का मन करते हैं कि अभी चलती रहे ऐसी गाड़ी या कुछ स्पेशल चाहिए अभी? नहीं, मैं सुकाया फाउंडेशन का थैंक्स बोलना चाहूंगा मैम कि ममता दीक्षित मैम ने जब से उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कई रूट के कलाकार जो है उनसे जुड़े हैं। और यही वजह है कि सुकाया फाउंडेशन के साथ मिलकर जो हमारा न्यू ईयर वेंचर होगा वो ये होगा कि हम एक कला ग्राम को समर्पित करें उन, यस मैम, उन कलाकारों के लिए जो गांव में हैं, जो सुदूर में हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके अंदर हुनर की कहीं कोई कमी नहीं है, वो देश को रिप्रेजेंट करने का मादा रखते हैं, ऐसे कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जहां से वो अपने आर्ट एंड कल्चर को दुनिया को दिखा सकें कि हमारे पास ये हुनर है। तो ये हमारी कोशिश है मैम कि आने वाले समय के लिए, मेरे कुछ और भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मैम जो आर्ट एंड कल्चर को समझते हैं, समय समय पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ली के जितने भी दीवाने हैं जिन्होंने चार्ली चैप्लिन की फिल्में देखी हैं और सेकंड को लाइव देख रहे हैं वो। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा वाक्या है इंदु जी कि चार्ली फर्स्ट वॉज वर्किंग फॉर फिल्म, वो कैमरे के लिए काम करते थे, और जो इंडिया के ऑन चार्ली है वो लाइवली आपकी आंखों में आंखें डालकर वो एहसास कराता है कि चार्ली जिंदा है, इंडिया का है वो, और इंडियन कैरेक्टर को लेकर वो लोगों को हंसाता है। तो मतलब ये एक बहुत उम्दा एक्सपीरियंस होता है, लाइव आर्ट का तो अपना ही एक मजा है ना। और इसलिए तो कहा जाता है कि तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की,
वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं। डब्बा वालों के ऊपर काफी रिसर्च किया है और उन्होंने बकायदा आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी काम किया। जो मेरी फिल्म अभी आई थी नमस्ते बिहार, वो प्रेजेंटर भी हैं और आर्ट एंड कल्चर को लेकर कभी भी उनसे कुछ कह दीजिए आप, वो तैयार रहते हैं कि नहीं किसी भी घर को, किसी भी स्कूल को, किसी भी स्टूडेंट में तब्दीली लाई जा सकती है अगर हम आर्ट एंड कल्चर को बढ़ा दें। और सबसे अच्छी बात है हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अभी आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, आप उनके बारे में भी तो कुछ बताइए। तो डेफिनेटली योग नगरी के बारे में तो हर लोग जानते ही होंगे क्योंकि सिटी ऑफ योगा कहलाता है ये। जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में पॉपुलर हुआ था, वैसे ही विश्व का पहला योग यूनिवर्सिटी है मुंगेर में। ये मुंगेर बिहार अच्छा। का एक डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है ये, काफी प्राचीन शहर है। मैं मुंगेर शहर में पैदा हुआ हूँ और इसलिए लोग मुझे गंगा पुत्र भी कहते हैं क्योंकि बचपन से ही गंगा किनारे जाकर, यहाँ बहुत सारे घाट हैं, राजा महाराजा काफी रहे हैं मुंगेर में और मीर अच्छा। कासिम का किला भी है। जी 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 जी, मुंगेर वाकई बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग तो इन दिनों मैम इस शहर को गन सिटी ऑफ गन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आर्म्स की फैक्ट्री है और लोग बहुत इजीली आर्म्स बना लेते हैं यहाँ। यहाँ के कट्टे बहुत फेमस हैं। तो अभी तो वहाँ का चाली बहुत फेमस है, मैं तो ये कहूंगी। यस मैम, चाली मुंगेर शहर का है और जिस तरह हिंदुस्तान का प्यार, भारत का प्यार हमें मिलता है, बाहर की दुनिया का प्यार मिलता है, ये वाकई मुंगेर को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि मुंगेर ने हमें वो हमेशा एक उर्वरकता दी है। इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ आपके माध्यम से, इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से। मुंगेर वासियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमेशा मुझे फलक तक जो है वो ले जाने की कोशिश की है, आसमान की ऊंचाई देने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुंगेर वासियों का। और ये शहर कभी मौका मिले तो मैं तमाम लोगों को इन्वाइट करूंगा। ये पर्यटन के हिसाब से ये शहर, क्योंकि मैंने तकरीबन 5 फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की है और शूटिंग के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है ये, तो एक बार जरूर आए। योगा का आनंद यहाँ आपको जो आकर मिलेगा वो शायद ही कहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर योग का यूनिवर्सिटी है। मैम इंदु मैम, आपको खासतौर से मैं जरूर इन्वाइट करना चाहूंगा कि आप एक बार मैं तो सोचूं इतनी तारीफ किए तो देखना ही पड़ेगा मुंगेर मुझको। मुंगेर वाकई मैम, और मैं लकी एक्टर हूं मैम कि मुंबई में जहां मैं रहता हूं वो बिल्कुल फिल्म सिटी है। गोरेगांव इसका इलाका है जहां पर नेचर से घिरा हुआ है वो। अच्छा एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा, आप टफ से टफ जॉब करते हो, काम करते हो, लेकिन अगर आसपास आपने कुछ नेचर को बचा कर रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो यकीन जानिए वो कहीं ना कहीं आप पर बहुत इम्पैक्ट पैदा करता है और ये हमें करना चाहिए। नेचर के करीब आप बिल्कुल जाएं तो, क्योंकि मैं देखता हूं कंक्रीट के शहर में रहकर जहां पर सिर्फ काम 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 है, गगनचुंबी इमारतें हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं लकी रहा हूं कि मैं उस जगह पे हूं जहां पर आपको अच्छी खुशबू आ जाती है, हवाओं में एक तरोताजापन होता है। तो ये गोरेगांव वाला एरिया फिल्म सिटी कमाल का है, इसलिए मैं कविताएं भी बहुत करता रहता हूँ। तो एक कविता, एक छोटी सी कविता होगी। बिल्कुल मैम, मैं एक अच्छी सी कविता आपको नजर कर रहा हूँ। हम क्या चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट और ह्यूमन बीइंग। जय हो, मेरी एक कविता है मैम कि भारत माता की जय हो, भारतवासी जन की जय हो, लहराते नव ध्वज की जय हो, जय हो जय हो जय हो, आतंक का न भय हो, शत्रुओं का क्षय हो, सबके मन में प्रेम विनय हो, जय हो जय हो जय हो, दुरित्य दैन्य पर नित्य विजय हो, द्वेष और ईर्ष्या का लय हो, भारत माँ की विश्व विजय हो, जय हो जय हो जय हो, मानवता ही सदा अभय हो, कीर्ति सूर्य का नया उदय हो, भारत की संस्कृति अनभय हो, जय हो जय हो जय हो, भारत माता की जय हो, भारतवासी जन की जय हो। राजन आपकी जय हो कि इतना एंथम लेवल आपने बना के रखा है,
इसको बस मतलब इसको छूटने मत दीजिएगा, इसको अपने साथ यूं ही रखिएगा। बिल्कुल मैम बिल्कुल, जिनके साथ दोस्त होते हैं ना, जिनके साथ उनके अपने होते हैं मैम, वो हमेशा ऐसे आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर, इंदु मैम मैं कह सकता हूं कि मतलब आप आपको लोग फॉलो करने वाले चाहने वाले बहुत हैं, यही वजह है कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हैं। मैं कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो जो हमेशा सुशील त्रिवेदी साहब दिल्ली से ही हैं, मतलब कमाल की शख्सियत हैं वो, उन्होंने हमेशा कलाकारों को आगे बढ़ाया है। जब मैं कुछ भी नहीं था उस वक्त में हिम्मत देते थे, साथ में बैठकर कहते थे कि देखो वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, वो उस वक्त में कहा करते थे। तो देखते देखते चीजें अच्छी हुई। तो आप अपने लोगों का साथ कभी मत छोड़ें। अच्छा, जो गार्जियन होते हैं, जैसे मेरे भी बहुत सारे शागिर्द हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूं, जिनको मैं चाहता हूं कि वो तरक्की करें, आगे बढ़ें, हजारों ऐसे हमारे एक्टर अपकमिंग एक्टर्स हैं, डांसर हैं, तो हम सबसे यही कहते हैं कि तुम इंडियन आइडल में चले जाओ, तुम इंटरनेशनल फेम हो जाओ, लेकिन जो रूट में लोग हैं, अपने लोग हैं, उनको कभी मत भूलना। और अगर वो भूल भी जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको फोन करूं, जैसे सुशील सर करते हैं, डॉक्टर पवन अग्रवाल सर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यस मैम, तो आई एम लकी वन जो इतने सारे दोस्तों से, इतने फैन से, इतने प्यार करने वालों से घिरा रहता हूं मैम। चलिए राजन, विश यू ऑल द बेस्ट, आप इसी तरह अच्छा काम करिए और हम बार बार आपसे बातें करते रहे। डेफिनेटली, इट्स माई प्लेजर मैम, एंड जय हिंद। जय हिंद राजन, थैंक यू वेरी मच। Love you all. Thank you. Bye. Bye bye, ma'am. Jai Hind. Jai Hind.